भोजपुर में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। भोजपुर क्षेत्र के लेखपाल नेमपाल सिंह को एंटी करप्शन टीम ने किसान से फौती दर्ज करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। मोहल्ला खास मंडी निवासी किसान वसीम अहमद पुत्र यामीन के अविवाहित भाई मोहम्मद रफी की 5 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। किसान की माँ शायदा बेगम की भी 42 दिन पहले मौत हो गई थी। माँ और भाई के नाम खतौनी में करीब 1.5 एकड़ खेती की जमीन है। किसान ने 2 अक्टूबर को भाई और माँ की जगह खतौनी में फौती दर्ज कराने के लिए हल्का लेखपाल नेमपाल सिंह से संपर्क किया। लेखपाल ने किसान से 20,000 रुपए की मांग की। किसान की माँ बीमारी में पैसा खर्च होने की बात कहकर गिड़गिड़ाता रहा, पर लेखपाल पर कोई असर नहीं पड़ा। इस पर किसान ने मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम के प्रभारी विक्रम सिंह से संपर्क किया। उसके बाद किसान और लेखपाल में 10,000 रुपए में सौदा हो गया। सोमवार को थाने के पीछे पहलवान के फर्नीचर के शोरूम पर लेखपाल ने किसान को पैसे लेकर बुला लिया। किसान ने जैसे ही लेखपाल को 10,000 रुपए दिए, उसी समय इर्द गिर्द खड़े एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने लेखपाल को 10,000 रुपए सहित रंगे हाथों दबोच लिया और थाने में ले जाकर हाथ धुलवाने के बाद FIR दर्ज कर पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन के CEO रजाक अली के निर्देशन में एंटी करप्शन टीम प्रभारी विक्रम सिंह, इंस्पेक्टर उदल सिंह, इंस्पेक्टर राखी चौधरी, HC विजय कुमार, HC सरस्वती मिश्रा एवं चालक स्वराज सिंह शामिल रहे। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, भोजपुर का निवासी हूँ मैं। फौती दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन करी थी मैंने। ऑनलाइन कराने के बाद में मेरे पास जमीन थी, हमारी अम्मी के शायदा नाम था, भाई का नाम मोहम्मद रफी था, वो ख़त्म हो गए थे, अम्मी ख़त्म हो गई 40 दिन पहले। फिर मैंने ऑनलाइन कराई फौती अपने भाई मोबीन के और अपने मोहम्मद वसीम के। फिर फौती दर्ज कराने के लिए पटवारी साहब का दूसरे दिन को मेरे पास फ़ोन आया, नेमपाल सिंह नाम है इनका। जब मेरी मुलाकात हुई भोजपुर में इनसे, बोले ठीक है, बोले तुम्हारा काम, बोले वैसे तो तुम्हें, बोले तुम कोर्ट जाओगे, वकील करना पड़ेगा, दो गवाह करने पड़ेंगे, 1 साल भी लग सकता, 2 साल भी लग सकते हैं। बोला हम बोले कि बोले कैसा होना, फिर बोले ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, आप 20,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम कर दूँगा। हमने 10,000 रुपये की बात करी थी इनसे कि 10,000 दे देंगे। फिर हमने जो है बात करी एंटी कनेक्शन वालों से जाकर, बोले सर ऐसे ऐसे बात है, हम फौती दर्ज कराई थी, हमने 20,000 रुपये की मांग करी है, हम 10,000 में बात हुई है, बोले 10,000 रुपये में हम देते हुए रिश्वत में पकड़वाना चाहते हैं। मतलब हमने काम आज अपना कर दिया। किस जगह से गिरफ्तार किया? भोजपुर में थाने की करवट में गिरफ्तार किया। टीम के द्वारा क्या कार्य किया गया? ये भोजपुर निवासी श्री मोहम्मद वसीम ने एंटी करप्शन ऑफिस में जाकर मुरादाबाद में शिकायत किया था कि उसके भाई मोहम्मद रफ़ी और माँ श्रीमती शायदा की मृत्यु हो गई है, उनके नाम की ज़मीन विरासत में चढ़ाने के लिए लेखपाल नेमपाल उनसे 10,000 रुपये, पहले 20,000 रुपये की मांग की और फिर बाद में जो है अनुनय करने पर 10,000 रुपये की रिश्वत के लिए तैयार हुआ, रिश्वत मांग कर, और उनको उनके नामों को जो है उनका मतलब शिकायत करता और उसके भाई के नाम को विरासतन चढ़ाने के लिए कागजात में तैयार हुआ, और इसी आधार पर जो है हम लोगों ने इसकी जानकारी दी। इसकी तहकीकात करते हुए आज लेखपाल नेमपाल को ये चांद श्री चांद की दुकान, फर्नीचर की दुकान में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए श्री मोहम्मद वसीम के द्वारा रिश्वत दी जा रही थी, आज उसे गिरफ्तार किया है। खाने का मुकदमा एंटी करप्शन है।